हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3rd बछेंद्री पाल जो है लेखक का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग यह स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बछेंद्री पाल हैं जो इस कहानी की जो इस यात्रा वृतांत की ये जो पहली बार तो ये देखी कि हम लोग ये जो आपकी चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा वो क्या है, यात्रा वृतांत है। ठीक है, एक यात्रा वृतांत है जो बछेंद्री पाल ने अपने पे बीती हुई यात्रा को इन्होंने अपने इसको लिपिबद्ध किया है और रचनाबद्ध किया है। तो बछेंद्री पाल का हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गाँव में 24 मई 1954 को हुआ। बछेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी, यानी थर्ड उनकी ये लड़की थी जो बछेंद्री पाल हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बछेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने उन्होंने वो उस खर्च को उठा नहीं पा रहे थे। तो जो बछेंद्री पाल थी उन्होंने 8th क्लास में सिलाई बुलाई करके जो भी जैसे भी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इस तरह हम लोग देखेंगे। अब आगे देखो, 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, क्योंकि वो अच्छी पढ़ाई में अच्छी इंटेलिजेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी, तो उन्होंने ऐसा कहा। बछेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही का गौरव दिलाया। अब हमने ये जान लिया कि यहाँ हम क्यों ये इतनी फेमस है और आज हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इस इतिहास के रूप में हम क्यों जान रहे हैं इनको। तो देखिए कि पहली बार तो कि भारतीय पर्वतारोही यानी कि पहली जो अपनी बछेंद्री पाल जो हिमाचल के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये आपको याद में याद रखना इस क्वेश्चन को। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी हो गया है और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया है। अब मैं आपको एक थोड़ा समझाना चाहती हूँ। देखो, प्रस्तुत पाठ में जो है इन्होंने अपनी यात्रा की चर्चा की, क्योंकि जो ये पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना आगे वो एवरेस्ट में शिखर यात्रा जो हम पढ़ेंगे ना वो हम उसमें क्या करेंगे, उन्होंने अपनी यात्रा यानी स्वयं ने जो किस तरह उन्होंने मुसीबतें झेली है, किस तरह वो जो है अपनी जो इनकी एवरेस्ट पर चढ़ाई करी इन्होंने, वो किस तरह इन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए और अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए इन्होंने फतेह हासिल की, सफलता प्राप्त की, उस तरह ये यात्रा वृतांत है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है एवरेस्ट में शिखर यात्रा जो है बछेंद्री पाल की यात्रा वृतांत पढ़ते हैं। एवरेस्ट अभियान दल यानी दल मीन्स जो ग्रुप है इनका, वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत अग्रिम मतलब जो आगे आगे रहने वाला एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बेस कैंप उनका जहां उनको पहुंचना था आधा जहाँ का कैंप में, और दुर्गम यानी कि जो बहुत ही कठिन या विषम भरा जो रास्ता है हिमपात जहां पे बर्फबारी होती है उस रास्ते को साफ कर सके। अब आगे देखो, नमचे बाजार, ये बाजार का नाम है, शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। जो नमचे बाजार है वो शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक और महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव में होते हैं, आसपास के गांव से ही ये जो है शेरपा जो एक कुली के रूप में जो काम करते हैं उनको यहीं से ही लिया जाता है या फिर ये लोग ऐसे ही काम करते हैं। ये नमचे बाजार की ही बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, यानी कि जो बछेंद्री जी कह रही हैं, जो लेखिका कह रही है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एवरेस्ट को देखा था, निहारा था कि मैं यहाँ पे चढ़ पाऊंगी। जो नेपालियों में क्या कहते हैं उसको, सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन का आंसर भी आपका ये कि जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है, मुझे ये नाम अच्छा लगा एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, यानी कि उसको वो खूब निहार रही हैं, गौर से देख रही हैं। मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था, मतलब जो एक फूल था बड़ा सा फूल वो कैसा लग रहा था, तो दूर से देखा जब वो तो नीचे थी और पर्वत शिखर पर ऐसा लग रहा था वो जैसे कोई तो झंडा फहरा रहा हो, झंडे की तरह दिखाई दे रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था।
यानी कि जो ये जो फूल का जो दृश्य हम देख रहे थे वो दूर से ऐसा दिखाया था जैसे कि एक झंडा हो, तो वो बताया गया है कि वो जो दृश्य है वो शिखर, इतना दूर से जो देख रहे हैं ना शिखर के ऊपरी सतह से के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण ऐसा दिखाई दे रहा जैसे कि ये झंडा लहरा रहा हो, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, यानी कि जो जो लोग थे जो बता रहे थे कि पर्वत पर चढ़ना बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल है, वो लोग उनको कैसे बता रहे, डराने जैसा हो गया उनको। पहली बार जब हम जैसे कुछ भी काम हम करते हैं ऐसे जोखिम भरा, तो हमको थोड़ा सा अंदर डर लगा रहता है, उसी तरह यहाँ पर लेखिका को भी डर लग रहा है। अब देखो यहाँ पर, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी, क्योंकि उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे किसी भी हाल में एवरेस्ट पे चढ़ना है, जो उनका दृढ़ निश्चय ही उनको सफलता दिलाता है। और देखिए, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। किसकी कठिन चुनौतियों? इसको पर्वत को चढ़ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, यानी कि जो उनका पूरा ग्रुप था, हमें हिमस्खलन, अब यहाँ हिमस्खलन से मिले जो यानी कि बर्फ वाले, यानी कि बर्फों का टुकड़े टुकड़े हो जाना, टूटना, हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु। अब यहाँ देखा उन्होंने कि जैसे वो चढ़ने लगे तो वहाँ पे देखा कि बर्फबारी से एक शेरपा जो कुली है उसकी मृत्यु का दुखद समाचार उनको मिला। अब वो तो क्या बेचारे निराश हो गए कि अरे यार, तो चढ़ने से पहले ही जो है मतलब मरने का भी यहाँ पे बहुत दुर्गम रास्ता है और बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँच पा रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि मृत्यु भी, मतलब जो मृत्यु का जो उनको दुखद समाचार मिला, तो मन में थोड़ा सा उनको डर और बैठ गया। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहासे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की, लोहासे एक जगह है, लोहासे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 जो है घायल हो गए थे। 16 जो इनका ग्रुप में थे उनमें से एक की तो मृत्यु हो गई है और 4 जो है घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए, यानी कि अगर हमने खतरा उठाया है तो हमको जो उसकी मुसीबतें हैं वो भी झेलनी पड़ेगी, जो भी उनकी परेशानी आएगी वो भी हमको सहजता से स्वीकार करनी पड़ेगी। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि जो उनके दल का जो नेतृत्व कर रहे थे उपनेता थे वो प्रेमचंद थे, जो 26 मार्च को पेरिस लौट आए, उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, यानी कि परिचित कराया कि ये खुम्बू हिमपात की जगह है या ये स्थान। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सिया बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित किया, यानी कि जैसे हम लोग पता तो चले हम जो डायरेक्शन है जिस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमको आगे बढ़ना है कि ये इस अपना जो टर्न करना है या मुड़ना है कुछ भी, तो इस तरह उन्होंने क्या करा उस रास्ते में वहाँ पर पुल बना दिया है और रस्सियाँ बांध दी है और जो है झंडियाँ, यानी कि जैसे हम जानते हैं ना छोटी छोटी झंडियाँ लगी रहती है ऐसे हम जब ऊंचाई वाले रास्ते में जाते हैं, तो इस तरह उनको चिन्हित कर दिया कि इस रास्ते से उनको पता लगा कि ये रास्ता है और इसी की तरफ उनको आगे बढ़ना है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। अब जो भी हमें बड़ी बड़ी मुसीबतें थी उसको उन्होंने जांच लिया, परख लिया, जायजा ले लिया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, जो ग्लेशियर जो है वो बर्फ की ही नदी थी एक बार जो अभी जम चुकी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, यानी कि यहाँ पर जो बर्फबारी है वो निरंतर हो रही है, वो अभी भी जारी है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। ओके, थैंक यू।